कैसे हैं आप दोस्तों? काफी सारे फोन निकाले जा रहे हैं, हर स्मार्टफोन ब्रांड काफी सारे लॉन्चेस कर रहा है और मेरे को पर्सनली भाई कंफ्यूजन हो जाती है। सारे फोन मैं देखता हूँ और सबका प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम है, और ये वाला रियलमी का नया कंटेंडर निकल के आया है दोस्तों। ये नार्जो रियलमी की एक नई सीरीज है और उसका एम क्या है उसमें मेरे को 100% क्लैरिटी खुद भी नहीं है, बट जो इसकी ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन लग रही है वो मेरे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सी लग रही है, बट उसके बारे में अच्छे से बात करें। सबसे पहले मैं इस वाले स्मार्टफोन को खोल लेता हूँ। नार्जो 20 प्रो है नंबर वन स्मार्टफोन क्वालिटी पर, ऑफकोर्स हर बंदे के लिए बेस्ट क्वालिटी ब्रांड अलग रहता है। ये वाला कवर है तो पतला सा बट इसकी क्वालिटी ठीक है। ये वाला स्मार्टफोन है, ये अलग से ऐसे पैकेट में देख के आ रहा है, पाउच सा बना हुआ है। मुझे नहीं पता आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, बट ऐसा एकदम फीलिंग सी आ रही कि मतलब ऐसा सही एक स्मार्टफोन मैंने अभी अनबॉक्स करा था। ओह ये मस्त है, इसके अंदर 65 वॉट की चार्जिंग है जो काफी तगड़ा है मेरे हिसाब से, और केबल आपको नॉर्मल देखने के लिए मिल जाती है, नॉर्मल यूएसबी और यूएसबी टाइप सी। पुस्तकें जैसे टाइम बीतता जा रहा है हल्की होती जा रही, ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ओवरऑल डिजाइन में हल्का चेंज है, यहाँ पे ऐसे एरो नीचे की तरफ जा रही है, दिखा रही है कि यहाँ पे पोर्ट लगाया हुआ है काफी स्पेशल जो आजकल देखने नहीं मिल रहा, बट अनबॉक्सिंग खत्म कर लेते हैं। लग तो रहा है बस चिकना चिकना। इसमें वो डिस्प्ले है वो एक 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और साइड में एक छोटी सी बिंदी लगा दी इसमें, क्योंकि एलसीडी स्क्रीन हल्का सा आपको एक शैडो सी बोल सकते हो या फिर ग्लो बोल सकते हो ब्लैक कलर की, बट ग्लो ब्लैक कलर की नहीं होती है। जो भी है समझ गए दोस्तों दिल की बात, वैसे वैसे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो सॉफ्टवेयर भी आप खोल के देखोगे ना, सॉफ्टवेयर में भी ज्यादा कुछ प्री इंस्टॉल्ड नहीं आता है, उंगली पे बैलेंस भी हो जा रहा है। ये मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि आजकल काफी जो कैमरे के सेंसर है काफी बड़े भारी से हो गए, तो ऐसे कभी कभार मैं यूज कर रहा था ना कुछ कुछ ऐसे फोन होता है लुढ़कने से लगते हैं, तो मैं सोचा आप लोग थोड़ा सा चेक करके बताते हैं। और ऐसा होता है कि जहां से भारी है वो ज्यादा तेजी से नीचे गिरता है, फिजिक्स के हिसाब से ऐसा नहीं होता है बट होता है ऐसा। देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे इस वाले एरिया में ऐसा बियॉन्ड फोर्स नीचे से लगता है, नीचे ऐसी ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है, फिर ऐसे बैलेंस हो जाता है, जो बड़ा है वो धीरे गिरता है और जो छोटा है वो तेजी से नीचे जाता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड में माउंटेड है और ये काफी ज्यादा तेज काम करता है, मतलब ऐसे बताऊं सारी तेज काम करते साइड माउंटेड वाले फिंगरप्रिंट स्कैनर जितने भी हैं इन डिस्प्ले वाले छोड़ के वो सारे बहुत ही तेज हो गए भाई। सिम भी एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें पूरा लंबा वाला सिम स्लॉट है, सारी चीजें एक ही बार में डल जाएंगी। हमको ई सिम ज्यादा पसंद है लेकिन फिर फोन फॉर्मेट हो जाता है, सिम भी गए। ओवरऑल जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो मेरे को मस्त लगी यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं लगी। स्पीकर एवरेज है, मतलब काम चल जाएगा आपका। इस वाले में जो कैमरा है वो एक 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और बाकी सारे छोटे छोटे हैं उसके, मतलब ऐसे सपोर्ट इमोशनल सपोर्ट देते हैं उसको बहुत ही बढ़िया से। बाहर चल के बढ़िया से चेकिंग करी जा रहा हूँ। दोस्तों हमने व्लॉग मोड बहुत ही बढ़िया से ऑन कर लिया है, इसके बाद अब रिकॉर्डिंग करी जाएगी, सेल्फी खींच जाएंगे, मजे कर जाएंगे। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फी खींचते हैं। क्या सेल्फी आई है भाई, डिटेल तो सही है बट ओवर शाम पड़ने और ऐसा लग रहा है मैंने होटो पे लिपस्टिक लगा रखी है, थोड़ी ज्यादा चमक रहे हैं मेरे होट। ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी बेटर हो सकती है बट फोटो अच्छी है। एक बार आप लोगों के साथ भी सेल्फी खींच ली जाए, ये हरियाली की फोटो लेते हैं और हर किसी ओवर एक्सपोज है और हल्की सी ज्यादा सैचुरेटेड है बट ओवरऑल फोटो सही है। वाइड से भी खींचे क्या, वाइड में डिटेल थोड़ी कम है बट इसमें देखो स्काई वाई काफी नीला सा ऐसा बना हुआ। फोटो भी इसमें अच्छी आ जा रही है, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी तगड़ी है, बट डिपेंड करता है अगर आप इसको रियलमी के ही फोन से कंपेयर कर लो रियलमी 7 से, तो रियलमी 7 की थोड़ी बेटर फोटोज आती हैं। इस टाइम पे जैसे कि आप देख सकते हो मैंने सारी सेटिंग्स को ही फुल पे कर रखा है, जितने भी ग्राफिक्स की सेटिंग थी, और इसमें दो तीन सेटिंग अवेलेबल नहीं है, कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हैं। गेम तो बिल्कुल स्मूथ चल रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट एकदम ऑनेस्ट बताऊं तो भाई ये काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड गेम्स, हमको थोड़ी ढूंढनी पड़ेंगी ऐसी गेम्स जिन पे एक्चुअली टेस्टिंग हो पाएगी, बट ओवरऑल इसका प्रोसेसर अच्छा है, आपको सारी वाली गेम चल जाएंगी, और अगर पबजी होती तो वो भी बढ़िया चलती। एक दो को तो मार ही देते भाई।
देखो आप लोगों से एकदम मैं सीधी बात करूं तो मैं इस वाले स्मार्टफोन को अगर नेक टू नेक कंपेयर करता हूं रियलमी 7 से तो बहुत ही कम चेंजेस हैं। कैमरा हल्का सा कम है, बैटरी 200 mAh कम है, बट चार्जिंग फास्ट हो गई है। बाकी बॉडी वॉडी जो है इसमें भी प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बैक जो आप बोलते हो जो कंफर्टेबल है पकड़ने में, और प्राइस दोनों ही स्मार्टफोन्स का बिल्कुल सेम है। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये स्मार्टफोन अच्छा नहीं है, काफी तगड़ा स्मार्टफोन है इस प्राइस पॉइंट के लिए। आपको 65W चार्जिंग देखने मिलती है, प्रोसेसर काफी अच्छा है, कैमरा भी काफी अच्छा है प्राइस के लिए, बट इस प्राइस पॉइंट पे अभी मेरे ख्याल से एक महीना भी नहीं हुआ एक रियलमी का ही स्मार्टफोन निकला था जो ऑलमोस्ट सेम था। आप लोगों के दिमाग में भी क्वेश्चन आता है भाई क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हर दो महीने में फोन निकाले जा रहे हैं। बेसिकली होता क्या कि जितनी भी ये स्मार्टफोन कंपनीज हैं ये जैसे ही उस स्मार्टफोन को बनाती हैं उसी टाइम पे यूट्यूब वीडियोस बनती हैं, मीडिया में आर्टिकल रखते हैं, प्रेस रिलीजेस होती हैं, टीवी पे एड चलते हैं, और एक नए स्मार्टफोन की ना एक्साइटमेंट होती है लोगों, बट ये जो हाइप होती है ना धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और इसी को रिवाइव करने के लिए कंपनीज या तो उसी सेम फोन का एक कोई स्टार वॉर्स एडिशन निकल जाता है या फिर कोई और रेड एडिशन निकल जाता है, व्हाइट एडिशन निकल जाता है, कोई अलग एडिशन निकल जाता है जिसके निकलने पे फिर से सारे आर्टिकल्स निकलते हैं, फिर से सारी चीजें होती है, या फिर चार्जर हल्का सा अपग्रेड कर दिया जाता है, या फिर कंपनीज उसी स्मार्टफोन को हल्का फुल्का चेंज करके हल्का फुल्का रीब्रांड करके एक नए स्मार्टफोन की तरह लॉन्च करती है। दोनों स्मार्टफोन सेम रहते हैं बट उससे पर्पस सॉल्व हो जाता है कि भाई फिर से एक मार्केटिंग वाला एक जो साइकिल है वो फिर से चालू हो जाती है, फिर से हम भी वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, फिर से और आर्टिकल छप जाते हैं। एक अच्छी स्ट्रेटजी है और ये काम भी कर रही है बहुत ही बढ़िया से, बट मेरे हिसाब से इससे कंफ्यूजन भी थोड़ी क्रिएट होती है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सेम स्मार्टफोन है, ऑफ कोर्स हल्का फुल्का डिजाइन में चेंज करा हुआ है, बैटरी इंप्रूव करी हुई, थोड़ा बहुत और माइनर चेंजेस हैं, बट ओवरऑल दिल से दिल मिलाए तो दिल सेम ही है। दूसरी चीज ये कि जैसे जैसे आपने स्मार्टफोन खरीदा इसके एक महीने बाद एक नया स्मार्टफोन आ जाएगा जो बिल्कुल इसका अपग्रेड होगा और हो सकता है हल्का फुल्का इंप्रूव हो, बट क्योंकि इतने क्विक सक्सेशन में ये फोन्स निकाले जा रहे हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि भाई मेरा स्मार्टफोन पुराना हो गया, और ये एक नेचुरल सी फीलिंग है। वैसे मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊं अगर मेरी कंपनी होती तो मैं भी यही करता, बट क्योंकि आप लोगों के पर्सपेक्टिव से भी देखना है तो ऐसा मेरे को हल्का सा ऐसे दिक्कत भी लगती है, तो आप लोगों को बताना भी जरूरी है। तो वैसे तैयार इस वाली वीडियो के लिए, एक अच्छा स्मार्टफोन है, एक कंफ्यूजिंग स्मार्टफोन है, बट आपको लेना तो आप ले सकते, और आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।